हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यमी यमी टेस्टी टेस्टी रेसिपी, बटर पनीर मसाला। ये जितना हेल्दी होता है उतना ही यमी होता है। तो चलिए फटाफट नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए अनियन, जो कि लगभग 3 मीडियम साइज अनियंस हैं। एंड देन उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर पनीर। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, सुंदर सुंदर से शेप में भी काट सकते हैं। उसके बाद मैंने टोमेटोज़ लिए हैं, 4 स्मॉल साइज टोमेटोज़। एंड यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं लाइक बादाम, काजू, और उसमें ही मिक्स कर दिया है मैंने लहसुन, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ ही पीसने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इसे बनाना। तो सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में डालेंगे बे लीव्स यानी कि तेजपत्ता। एंड देन उसके बाद हम डालेंगे दालचीनी। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ गरम मसाले में ही जो मिक्सचर टाइप आता है ना जीरे वीरे का, तो वो सब मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें, फ्लेवर अच्छा आता है इससे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अनियंस। अनियंस को सॉफ्ट होने तक भूजेंगे हम। उसके बाद में हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे टोमेटोज। पहले हम अनियन को ही सॉफ्ट करेंगे एंड देन ऐड करते हैं उसमें टोमेटोज। अब हमें इन्हें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। इससे ये फ़ायदा होता है ना कि बाद में हमें जब ग्रेवी को पूरी तरह से हम जब भूजते हैं, पूरी जब हम सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ज़्यादा देर तक हमें नहीं पकाना होता है। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हो चुकी है, ये जली नहीं है, ये बस हल्की सी लग गई है, क्योंकि इस कढ़ाई में अधिकतर ऐसा हो जाता है। टोमेटोज़ भी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ थाली में। गरम गरम तो हम पीसेंगे नहीं, इसलिए इसे होने देंगे थोड़ा सा ठंडा। और देन उसके अलावा जो हमने पेस्ट तैयार करने के लिए रखा हुआ था, उसका पेस्ट हम तैयार करेंगे। ये इसे मैं मिक्सर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आया है, काफ़ी थिक है। इससे क्या होगा ना कि हमारी जो सब्ज़ी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा थिक बनेगी, अच्छी बनेगी, होटल स्टाइल में बनेगी बिल्कुल। तो ये मिक्सी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला और मैं इसे भी इसमें डाल देती हूँ। वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, महंगी आती है सारी चीज़ें। तो अब मैं सेम जार में ही, भाई क्या अलग अलग धोने वोने की ज़रूरत नहीं है, सेम जार में ही मैं बाकी का जो हमने मसाला, जो सब्जी टाइप तैयार किया था, उसे हम पीस लेंगे। तो ये हो चुका है रेडी। मैं यहाँ पे कलर्स नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कलर ऐड करना है उसको थोड़ा सा रेड कलर देने के लिए, तो आप ऐड कर सकते हैं फूड कलर, या फिर कलर वाली जो मिर्च आती है जिसे सिर्फ कलर होता है और तीखापन नहीं होता है ज़्यादा, वो ऐड कर सकते हैं आप इसमें। तो अब मैं दूसरी कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच घी, खड़ी लाल मिर्च डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे एंड देन जीरा। अब इसे हम थोड़ा सा भुज जाने देंगे। अब इसके बाद मैं पेस्ट तैयार किया हुआ था ड्राई फ्रूट और गार्लिक का, वो हम डाल देंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है, क्योंकि गार्लिक हमने कच्चे लिए थे तो उसकी स्मेल अदरवाइज जाएगी नहीं। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी थोड़े से मसाले, हल्दी 1 से 1.5 चम्मच हल्दी लिया है मैंने, लाल मिर्च और हरा धनिया, ये मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने पेस्ट डाला था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाकर वो भी मैंने उसमें डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर ढक देंगे ताकि जो मसाले हैं वो पक जाए। ढक्कन हटाकर देखते हैं, ये देखिए पक चुके हैं मसाले हमारे। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो और प्याज की प्यूरी।
ये जो हमने मिक्सी में अलग से पानी डालकर रखा हुआ था, अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए कितनी थिक और कितनी अच्छी लग रही है ग्रेवी हमारी। ये देखिए बॉयल भी आ गया है इसमें। पनीर मसाला और गरम मसाला मिक्स कर देंगे इनको। बढ़िया तरीके से बॉयल हो चुका है तो अब मैं ऐड करूंगी यहाँ पर पानी। एक बाउल पानी डाला है मैंने छोटे वाले कटोरी के नाप से। आपको अगर और ज़्यादा पतला चाहिए तो आप एक कटोरी और डाल सकते हैं, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक मैंने पहले इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि पानी डालने के अंदाज सही हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर क्यूब्स। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्जी। मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड की हुई है और अब मैं इसे बॉल में निकाल लूंगी। जो बची हुई सब्जी है उसमें धनिया डालूंगी और जो बाउल में मैंने निकाला हुआ है उसमें भी मैं धनिया डालूंगी। ओके, अब हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनी है। तो होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।